हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पलवल में काफी लंबे समय से अवैध रूप से चल रहे कॉल सेंटर का सीआईए पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मौके से लैपटॉप, एक दर्जन मोबाइल, बैंक की पासबुक और चेक बरामद किए। सीआईए पुलिस ने कॉल सेंटर में काम कर रहे दो युवक और एक युवती को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कॉल सेंटर में कॉल के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ बोले डीएसपी संदीप मौर, आप खुद ही सुन लीजिए। पलवल से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक पलवल श्री लोकिंदर सिंह के मार्गदर्शन पर सीआईए पलवल द्वारा एक फर्जी कॉल सेंटर की सूचना प्राप्त होने पर कल वहां पर रेड की गई। रेड पर वहां पर एक महिला और दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। वो वहां पर फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे। फर्जी कॉल सेंटर के लोगों को कॉल करके उनसे पैसा ऐंठते थे। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर उनसे पैसा ऐंठते थे। 999 रुपये उनसे तत्काल रसीद के पैसे लिए जाते थे। उसके बाद ये उनको दो तीन बार और लालच देते थे कि भी आपको पैसा जल्दी दिला दिया जाएगा। उनसे लगातार पैसे डलवाते रहते थे। तीन चार एंट्रियां होने के बाद ये खाते को बंद करा देते थे। इनके पास से टोटल 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं, 7 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, 3 कीपैड बरामद किए गए हैं, 1 लैपटॉप बरामद किया गया है, 6 रजिस्टर बरामद किए गए हैं, 4 पासबुक बरामद की गई है, 4 बैंक की चेकबुक बरामद की गई है इनसे। पैसे बरामद हुए इनसे किस तरह से ये अकाउंट में ऑनलाइन या पेटीएम के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करवाते थे। किसी नामालूम व्यक्ति का खाता लेके उसके खाते में पैसे डलवा के उससे पैसे से निकलवा लेते थे और उस पैसे का ये फिर खुद इस्तेमाल करते थे। ये अभी जांच का विषय है, अभी इसमें बताया नहीं जा सकता। अभी इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब अभी इनसे पूछताछ की जाएगी, पूछताछ में पता किया जाएगा इन्होंने कितने लोगों के साथ चूना लगाया। अभी तक कहाँ पे चल रहा था ये? पलवल के अंदर ही चल रहा, सिटी एरिया के अंदर। लोकेशन आलापुर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।